कच्ची शराब से प्रदेश में हुई मौतों के बाद गोरखपुर जिले की पुलिस ने दो दिनों में अभियान चलाकर कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब की भट्टियों पर छापे मारे गए। इस दौरान पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार कर 44 मुकदमे दर्ज किए। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, दो दिनों में कच्ची शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि जहरीली शराब का सेवन न करें और कोई बनाता मिलता है तो 100 नंबर पर या तो हमें तत्काल सूचना दें, जिससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी जैसा कि आपको पता ही है, पिछले दिनों में कुछ बड़ी भारी त्रासदी जैसी हुई है कच्ची शराब की वजह से, बहुत सारे लोगों की जान गई है। इसमें हमें दिशा निर्देश है कि एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए, और इसमें गोरखपुर पुलिस ने पिछले दो दिनों से भारी अभियान चलाया हुआ, हर थाना क्षेत्रों को निर्देश है, सीओ साहिबान और सभी लोग, सभी अफसर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी तक दो दिनों में तकरीबन 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 44 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और भारी संख्या में जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की सामाजिक बुराई जो है, ये कच्ची और जहरीली शराब, इनको बिल्कुल सेवन मत करें, और अगर कोई बनाता मिलता है इसको तुरंत ही हमें सूचना दें, चाहे डायल 100 पर दें या किसी भी माध्यम से आप हमें सूचना दें, हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी ये अभी तो जो अभियान हमारा लगातार चलता रहता है, यदि मैं आपको पिछले साल का बताऊं तो पिछले साल भी 1300 से अधिक मुकदमे इन केसों में दर्ज हुए हैं। ये एक अनवरत चलने वाला अभियान है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह का बिजनेस करते हैं ये बाज नहीं आते हैं, और अब इसमें पिछले साल एक धारा में शासन की ओर से और सरकार की ओर से तब्दीली हुई, जिसमें कड़े प्रावधान है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान है, और हमें उम्मीद है हम इस प्रावधान के तहत अब कार्रवाई शुरू करेंगे, जिससे कि इसमें रोक लगाई जा सके।